الامین تہندس خدمت من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر امت شاہ آج مہاراشٹر من لوک مت گروپ طرف منعقد اکس تقریب دوران وونمت صحافت جمہوریت ثورم تھم تو سماجس من برائی ختم کرنس من صحافت طرف اک اہم رول ادا کرنے یل زن تمو لوک مت ذکر کران وون زمہ طرف پن فرائض خوش اسلوبی سان انجام دن تو یہ وجہ لوکن یہ خوش کران जीवन में स्टैंड लेने के टाइम पूरे जीवन में दो या तीन बार ही आते हैं और वो क्षणिक होते हैं। जिस वक्त व्यक्ति को स्टैंड लेना है कि मुझे मेरे लिए सोचना है या सिद्धांतों के लिए सोचना है, और वो क्षण व्यक्ति को महान बनाता है, वो क्षण व्यक्ति को अमरत्व देता है, और वो क्षण सोच समझ कर नहीं, इसका सामना सोच समझ कर नहीं किया जा सकता, इसका सामना मन से किया जाता है। जो हम व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति की मान्यताएं होती हैं, व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही वो क्षण को उसका सामना करते हैं। इंदिरा जी को हम सब जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं। इंदिरा जी के सामने स्टैंड लेना और अपने तंत्री का बचाव करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसी घटनाएं ही बाबूजी जैसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उनको अमरत्व देती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब समाज जीवन के अंदर थोड़ी लूजनेस आती है तो पतन सभी चीजों का होता है। ये पतन को, इस लखन को हमने भी देखा है हर क्षेत्र में, मगर लोकमत ने अपने सिद्धांतों के आधार पर ही आगे अपनी यात्रा की और यहां तक पहुंचा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज जम रवान सपदन ब्रो श्रीनगर में पार्टी वर्करन हिंदिस इजलास दौरान वोनमत मरकजी सरकार तरफ मुख्तलि बहान बनवित जम्मू हिंद लोग तंग कर कोशिश करान यमि ताज मिसाल बिलडोजर कारवाई अमल मन लूकन हिंद आशियान मिसमार कर महबूबा मुफ्ती कशर मिसाल वंद चल शीन गल बे बहार पेश करान वर्करन वोनमत तम ग सब्र तहमलस तो हिम्मत कम हेत सुप्रीम कोर्टस पे भरोस कर तिकाज वरी वाद ब्रो दफा 370 किस मामलस हवाल सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू हिंदन लूकन हिंदिस हकस मन फैसल दिन आमुत तो आज उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट दी लूकन हिंदिस हकस मन पनुन फैसल। ये जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, इसके मालिक जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरा हो, चाहे लद्दाख का लद्दाखी हो, बोध हो। इसका कंट्रोल यहां की पंचायत को लेना चाहिए। सरकार बने सका फैसल करे तो ताई पजे यदि पंचायत चाहे गस चराय चाहे स्टेट लैंड तथ नजर गुजर थवे इत घर मन सारे अचान बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है, पहले ये जुल्म जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए। आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली, और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट मसला है ये, इतना जरूरी मसला है, जिसकी वजह से जो 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था, उस इलाहा पे सवालिया निशान लगाया बीजेपी ने 370 खत्म करके। इससे ज्यादा और जरूरी क्या काम हो सकता है आपके लिए। मगर देखेंगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे। अब्दुल नजीर गवर्नर, वो जो दूसरे क्या नाम था उनका, गोगोई राज्यसभा मेंबर, अशोक भूषण कुछ और, इसीलिए यही देखने के लिए क्या
आप 370 को पीछे रखते हो क्योंकि आपके पास दलील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले फैसला दिया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, हम देखेंगे। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूं जो बेअदबी हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ जज हजरात मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जज हैं जिस तरह से जिन्होंने इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, अभी भी वैसे कुछ जज है। इसलिए मैं सबको एक जैसा नाम नहीं देना चाहती हूं, मगर हमारे पास मिसाल है अब्दुल नजीर की, गोगाई की, अशोक भूषण की, ये मिसालें हमारे पास हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डीमोनिटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी गई। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारे अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, 370 का सवाल है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरा मन तरीके से। मैंने बार बार कहा है असल के साथ सूद के साथ इनसे हम वसूल करेंगे जो हमने उनसे चुराया है। ये बर्दाश्त करना है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। दबा जितना कांग्रेस पार्टी तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आमुत यद दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव पार्टी तरफ ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने यद दौरान लूकन भारत जोड़ो यात्रा सवाल मुकम्मल जान फराम करनी यु जन लूक सकत समझनस मज समझित हकन यस कांग्रेस तरफ भारत जोड़ो यात्रा दौरान करने आए। तो आप जो भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम है वो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो हर डिस्ट्रिक्ट में चलना है, कश्मीर के, जम्मू के। और वो प्रोग्राम आज हमने कश्मीर में मीटिंग की, उसकी रात को जम्मू में हमने की पहले दिन। तो अभी हमारा सेशन 24-25-26 को रायपुर में है, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो भारत जोड़ो का फॉलो अप प्रोग्राम है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, वो हर डिस्ट्रिक्ट में यात्राएं चलनी है, बड़े बड़े प्रोग्राम होने हैं, वो हम लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर सेशन 28 से 28 तारीख से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नफरत छोड़ो, सब मिलके प्यार से मोहब्बत बांटो और हमारे जो मसले हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जो भी हो, साथ मिलकर हम इसका सॉल्यूशन ले आए। तो ये प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, हमारा असेंबली सेगमेंट तक जाएगा और ब्लॉक लेवल तक जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा। इसमें लीफलेट बांटेंगे, पर्चे बांटेंगे, राहुल जी की जो स्पीच थी उनकी बातें और जो मसले हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर के अपने मसले हैं, उन मसलों को भी ये हाथ से हाथ जोड़ो में हम सभी को, युवाओं को, किसानों को, काम करने वालों को, पहाड़ों में रहने वालों को, जम्मू से लेके कश्मीर के सभी लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुलगम में आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यह दौरान एसएसपी कुलगम तफसीलात फराहम करान वन जिस मुसद्दिक इतला मिलने पर दर्दकूट आलमगंज क्रॉसिंग पर हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वबस्त त्रे बालई वर्कर गिरफ्तार कर आमित गिरफ्तार वर्करन हि शिनाखत ये मोहम्मद अब्बास वगे गवार अहमद मीर तो निसार अहमद शेख शुपियान सिंद रंग कर आई तत गिरफ्तार वर्करन निश हथियार बरामद कर आमुत ये जन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकत शुरू कर आमुत।
ये बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट, हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि इंसिडेंट प्लान कर रहे हैं हमारे कुलगाम बहीबाग एरिया में, और प्रोटेक्टेड पर्सन या फिर कोई पुलिस पर्सनल इनका शायद टारगेट था। तो बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट हमने एक नाके पे इनको अप्रिहेंड किया, और ये एक अच्छी कामयाबी है JKP के हवाले से, बिकॉज हमने एक इंसिडेंट होने से रोका है, और इसमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुए, इसमें एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ हमारे लाइव राउंड रिकवर हुए। हम आप ये बोलना चाहते हैं, हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और कुलगाम कोशिश करेंगे इंसिडेंट। صوبائی کمشنر کشمیرن آز شہر سرینگر دور کورمت یا دوران تمن ہمراہ انتظامی دویم افسر تہ موجود دورس دوران یت تمو سمارٹ سٹی حوالہ جاری کامہ ہند جائزہ ہوت تت تمو افسرن ہدایت دتمت زہ کامہ مز گھ وچ ان یت زن مقرر وقتس پہ کام مکمل کرن یل زن ذرائع ابلاغس ست کات کران صوبائی کمشنرن ون زہ انتظامیہ طرف چہ سمارٹ سٹی ہند خواب پور کرنے باپت سنجید قدم تلنا آمت تاہم چہ ضروری زہ لوک کرن انتظامیہس اتھواس بلڈوزر کاروائی حوالہ کات کران صوبائی کمشنر کشمیر ونمت زہ کاروائی دوران چھ کنس غریبس خلاف کھان کاروائی عمل مز ان آمت بلکہ یہ کینچو لوکو طرف ماحول بناونی کوشش کرنے یوان بالکل کمپلیٹ ہوں گے اور جیسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ سے پہلے جس اسپیڈ سے کام ہو رہا تھا और भी इसमें तेजी से काम हो रहा है जी। नाइट में डबल शिफ्ट हो गई है, इनफैक्ट मैं देखता रहता हूँ कि कमिश्नर साहब भी खुद इसमें नाइट को राउंड लगाते हैं और व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस आते रहते हैं, और आपके माध्यम से मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अभी आने वाला 1-2 महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हो सकता है हमें बहुत सारे रोड बंद करके दिन में भी काम जब एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो थोड़ी सहूलियत जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बस 1-2 महीने का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको ये देखने को मिलेगा। ना केवल ये G20 की वजह से जो हमारे और जो तेज, देखिए जब हमने स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट जब G20 नहीं था सामने, तो G20 होने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमने और इसमें तेज़ी लाई है, लेकिन इससे बाकी जगह पर जो हमारा ध्यान है वो कम नहीं है, और जगह भी काम चल रहे हैं, केवल G20 ही नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और आप तो खुद यहाँ के रहने वाले आपने भी देखा होगा कि कितना जो है यहाँ पे अब काम चल रहे हैं। देखिए स्ट्रीट वेंडर के लिए टाउन वेंडिंग कमेटीज वगैरह है, ठीक है, उनके वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन जो है वो कमिश्नर SMC जो है आपको इसको और अच्छे से बता पाएंगे, तो आज तो अभी फिलहाल मैं ये सारे वर्क देख रहा हूँ, एक बार उसको और रिव्यू कर लेंगे और तब आपसे फिर। अच्छा चलिए पहले मुझे आप एक बार बताइए, आप सब लोग यहाँ पे हो, जो ये एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई वो सही चलाई या गलत चलाई, आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप बताओ। लोग कहते हैं ऑर्डर लिखित में नहीं आया कि गरीबों को, फिर देखो मुझे पहले ये बताइए ये जो ड्राइव चलाई गई ये ठीक चलाई गई या गलत चलाई गई, मुझे ये बताओ सही चलाई, आपको क्या लगता है। ओहो यार पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दो भाई, पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दे दो। जी 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 सर, ठीक है अब आता हूँ दूसरी बार, आप ये तो मानते हैं कि सही चलाई गई, अब गरीब पे आते हैं, क्या आज कहीं गरीब का मकान टूट रहा है कहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ओहो भाई मेरे बात तो बताओ, आज टूट रहा है क्या कहीं पे, कल टूटा था क्या कहीं पे, कुछ राहत मिली है। ओहो बताओ तो सही, मुझे नहीं टूटा ना, 2-3 दिनों से नहीं, परसों टूटा था क्या कहीं से, नहीं टूटा ना, तो जब अरे वही तो मैं कह रहा हूँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जब नहीं हो रहा तो नहीं होगा यार, ये तो पता नहीं क्यों हाइप बनाया जा रहा है जबरदस्ती का। एग्जैक्टली ग्रीनरी इसका इंटीग्रल पार्ट है, और ना केवल ग्रीनरी जो हम देखते हैं उससे रिलेटेड है, बल्कि जो साइकिल ट्रैक भी यहाँ विकसित किए जा रहे हैं जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साइकिल से आए या पेडेस्ट्रियनाइजेशन इसका हो जाए, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसी ग्रीनरी का ही ओवरऑल पार्ट है। भाई मैं इसको अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इस इश्यू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पहले समझ लेता हूँ फिर आपके सामने आऊँगा। صوبر پہ ٹام تہ آئی عیال طرف آج سری نگر پریس کالونی مز خاموش احجاج کرنا آمت، یت دوران احجاج مز شامل لوک انصاف فراہم کرنچ منگ کران اس احجاج مز شامل لوکو طرف ایل جی انتظامیہس منگ کرنا آمت زی نثار احمد ناوک نوجوان گھ نبرم جیل پہ جموں کشیر منتقل کرنے یون یت زن عیالس ملاقات کرنس مز آسانی سپدے یل زن متاثر عیال طرف انسانی بنیادن پہ نوجوان سز رہائی ہز تہ منگ کرنا آئہ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سوپو روزان مے برادر بند بہت تم سسٹر سہ اس بارہمولہ بند تم نا نثار احمد گنائی تت پہ تلک سہ نیوک سہ کوڑ بلوا تلک سہ خبر ریت کم دہ ریت نمت ہریانہ اس لج نا اس ٹوٹل ہاونی بارہمولہ کوڑ مز تمس نس پتہ نا پتہ سہ کت کی کہین پہ بور مے تھوڑا کورم تک شور یہ دس اگر اس بوئے تھی بند تھی تاؤن مگر ہاؤن کم سے کم سیاحتی مقام گلمرگ من شیشو بنانا آمت اگلو ریسٹورنٹ یت آج کل سیاحن ہند مرکز بنوت تت موجود سیاحو طرف ون آمت یت گڑے سیاحتی مقام گلمرگ قدرتی خوبصورتی ست مالا مال تتہ دم طرف یت چیز تیار کرنے ست ات خوبصورتی مز مزید اضافہ سپدن یم سیاح سٹھ لطف اندوز سپدن یپ سیاحت ست وابستہ لوکو طرف ون آمت سیاحن ہند گلمرگ ان تم روزگار کماؤن موقع فراہم سپودمت ہے گڑگاؤں سے میرا نام ہے مہندر یہاں اگنو دیکھا تھا ہم نے انسٹاگرام ریلس میں تو ہم یہاں آنا چاہتے تھے اپنی شادی کے دوسرے تیسرے دن لائف میں ایک بار یہ ایکسپیرینس یہ ضرور لینا چاہیے ہر کسی کو پیسہ ہر کوئی کماتا رہتا ہے لائف میں ایک بار یہ ایکسپیرینس یہاں لینے چاہیے الگ الگ چیزوں کی کیا آپ ایک آئس کیفے میں بیٹھے ہو جیسے ہم نے باہر فورنس میں دیکھا ہے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا آئس کیفے ہوتے ہیں ویسے انڈیا میں اور کشمیر میں پہلی بار ٹرائی کرا گیا بہت اچھی جگہ ہے میں نے آلریڈی اپنے فرینڈس کو ان کی فوٹوز شیئر کر دی ہے وہ بھی اپنا پلان ڈیسائڈ کر رہے ہیں 10 to 15 فرینڈس ود ان اے ویک یہاں آنے کے لیے کیونکہ ہر کوئی ایسا ایکسپیرینس لینا چاہتا ہے اپنی لائف میں ایک باری کیونکہ ہر کسی نے دیکھا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتا کشمیر آ کے لے اپنے دیش میں لے ایکسپیرینس میرا نام جوتی ہے ہم گرگاؤں سے ہیں اور ہم نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ابھی 27th ہمارا میرج ہے تو فرسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے ہم نے کافی یو نو ریلس وغیرہ میں دیکھا تھا ایگنیو کے بارے میں سو وی تھاٹ کہ ہمیں یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے اٹس اے ویری نائس پلیس کیسا لگتا ہے کہ ہم مطلب سورگ میں بیٹھ کے یہاں پہ بیچ میں بیٹھے ہیں میرر یو نو کیفے ٹائپس ہے تو یہاں پہ ہیٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ کوئی مطلب ٹھنڈ کا ویسا نہیں ہے کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اچھا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہے نیو ہے سم تھنگ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہاں سے پورا ویو دیکھ سکتے ہیں گرینری ہے یو نو یہاں سے ہم پورا اچھے سے اچھا ویو ہے یہاں پہ تو سب کو آپ کو ٹوریزم بڑھے گا اس چیز کو لے کے ویری نائس پلیس ہم نے لارجسٹ اگلو بنایا ہوا ایشیا کا سنو اگلو اس کے بعد 2002 میں ہم نے ورلڈ کا لارجسٹ سنو اگلو بنایا دس ایئر جو ہمارے مینجمنٹ ہیں ان نے نیو کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے گلاس اگلو بنایا اور کارپوریٹ مینیجر وسیم صاحب ہیں یہ چائنا سے انہوں نے لایا اس کا کنسیپٹ چائنا سے وہاں چائنا کے وہاں انہوں نے دیکھا ہے اس اگلو کی اگر بات کریں 5 lakhs سے مور دین ایبو کا خرچہ ہے ایک اگلو کا سر یہاں پہ ہم رنگ سینوریمیز ہوتی ہیں یہاں پہ سمال پارٹیز ہوتی ہیں کینڈل لائٹ ڈنر وی پرووائڈ یو آل فیسلٹیز وی پرووائڈ دا ٹورسٹ ٹورسٹ جو یہاں پہ آتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اس اگلو میں کیونکہ فرسٹ ٹائم جو گلمرگ میں ہم نے اگلو لایا ہے گلاس اگلو یہ جو ہمارے مینجمنٹ ہیں کولہ گرین ہائٹس کی طرف سے ہیں پی ایس سی کالونی سیدو شوپین کے لوکو طرف شکایت بھوان ون آمت یدوئے علاقہ من صاف چناب کے ویسے حوالے کئی آئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تاہم چن آج تام کان قدم تلنا آمت یمکن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن چی پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقہ من لوکن صاف چناب فراہم کرنے سوال گھن سنجید قدم تلنی یین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے یین آبی آسان اس گئی ٹور ریت یہ آب آنس اس ٹور کلو زو کلو میٹر پہ آب نو ٹھاڑ اس صبح بتائی ٹائم کھانا اس گئی شین ٹھاڑ ہپ یپ وی کھانا نوٹا یہ سہ مکور آن تب گند آن ست اس آب نوٹ یہ پتھ ون اس گھت کھانا سہولیتہ گھن تریش گھس بن اہم اور گام ٹھاڑن کن کن نار ڈاجہ مز کت بہ احمد ملہ ہوں یہ پی ایچ سی کالونی سیدو ہے ہم گاؤں سے 2-3 kilometers دوری پر رہتے ہیں یہاں یہاں سے 4 scheme ہیں جن کی سے یہاں پانی نیچے جاتا ہے مرز پورا سکیم رنگ مرگ سکیم سیدو چک سکیم تو گورنمنٹ نے کروڑوں روپیہ خرچ کیے پانی کے لیے بلے نکالی گئی لیکن پانی نہیں ہے افسروں کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں در بدر پھراتے ہیں
फिर हम डी सी साहब का शुक्रगुजार है कि उसके पास गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको इस साल रेस्टोर कर लूँगा, वहाँ पाइपें खराब है, मैं पाइपें ठीक करके दे दूँगा। बाद में उसने क्या किया, उसने तो डिपार्टमेंट को जब एक्जन वगैरह एक्सटेंट को बुला के लाया तो उसने वो पाइपें वगैरह जो थी पुराने वो निकाल के नई लगा दी, लेकिन उन्होंने बिले निकाली पाइपें लगाई, डी सी साहब को इग्नोर की, उसको गलत बयानी बोलते हैं कि वहाँ पानी रेस्टोर हो गया, लेकिन पानी है नहीं चार महीने से। अब ये मैसेज हम ज़्यादा से अपने डी सी साहब को देने चाहिए। मोहन मकबूल भट्ट सदबुक बसिंदार ये न्यू कॉलोनी मे बसान, मगर जबरदस्त प्रॉब्लम से आब योदवे क्या सीजन पत्मों त्रो रेत पे आब वो ये जबरदस्त परेशानी सोन जनान मोल सुबह नेरन गामस मज वि तम ये डोड घंटे गसित नोट आब उन्हें पंदा लीटर आब वातन अच्छे जबरदस्त प्रॉब्लम सोन लक लक बच्चे तम तरेशान पड़ने यह आब जबरदस्त बहरानस मे अगर पत् मरमत यी कर अगर पत् पाइप तृह पंचा य लागन यम जन पत्म सिकीम आज तम क्या गई फेल नए सर क्या बस्ती हूँ तहफुज सोचान अमे इलाकों तहफुज सोचान यह बस्ती कित रोज इस कामयाब यह बस्ती कित रोज यह मुश्किल नश दूर यम कित रोजन अथस सेफ इन गोस आब नोट पन्नस टाइम पे आसन अगर जो सुबह आठ बजे आब त्रावान घंटन दोन या एल टी केबल तो स्मार्ट मीटर नसब कर हवाल ये महकमे बिजली तरफ शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज कदम तुलने आमित आज लूको तरफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराम कर मांग करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जे गोड़े लूक बिजली हंद ये गई किन बिजली फीसस मज इजाफ सपदन किन मुश्किल मज हन आमित तत स्मार्ट मीटर नसब कर लूकन हंदन मुश्किल मज मजीद इजाफ सपुदमुत यम सूक एहजाज कर पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आम अत मामलस कुन गोन दिन युद्ध जन लूकन मज पद सपुदमुत तशवीश दूर कर नफर जन पे दच खेन पे आज भर मीटर फीस आज लगो बचन आज खेव क्या करो इसलिए गवर्नमेंट अपील कर अगर ते रेत पर रेत सास सास रुपये थो आज भरो फीस इमें हेको ना आज भरत कह सान माल सारी मजदूर ते वो कस मुलाजिम सारी मजदूर और मिज मजदूर और दुकानदार और कर बचस लगान अस कत आनो ते वन अस कत आनो जुलुम सख्त जुलुम कर मीटर पावर लागिन मीटर शुर् पड़ान तम थी वो गि शुर् फीस पुनः तंगी मजूर सुबह नोपय पांच हथ जमा तम पोशान कने क्या करो भरव हूत कि भरव अमिस अपील अस नी वापस हुथ कन थन आंदा हौल भरव तथे कन हमें यहाँ मीटर का काम आया तब से हम सब ये हो गया परेशान हो गया। देखो जी आप घर में हमारे घर में मजदूरी है अब क्या करेगा, हम मीटर का फीस देगा गवर्नमेंट को, हम बच्चों को खिलाएगा बच्चों का फीस अदा करेगा क्या करेगा। इसलिए मोदी सरकार को हम अपील करते हैं आप 1000 हमें अगर महीने में फीस रखेगा फिर हम ये चावल देता था वो भी बंद हो गया 20-20 किलो चावल देते हम क्या करेगा उससे मजदूर कहाँ से लाएगा वो पैसा तो हम चावल लाएगा यहाँ क्या देते हैं मोदी सब कुछ खत्म किया मोदी ने क्या करेगा एक आदमी मजदूर करार खानदार सुनवार बिचार मजूर कर खानदार मे खानदार मजदूर सह जाए बिह मे कर शुर बचा मे बच पांच तम तम बेकार तमुल तमुल द्रोग खेवान साढ़ पांच साढ़े चौर हतन आए चोर किलो तमुल मे बह क्या खेल वो क्या खेल अन शवा कि अना तमुल वो इसलिए इंसान कर भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर तो तर्जुमान महमद अलताफ ठाकरन आज ज्रारिहार त्राल दौरे कर्मुत यह दौरान तमो कैयान अवमी वफदन सत मुलाकात कोर अत मौक पे ये लूको तरफ इलाकस में दरपेश मुश्किल हवाल अलताफ ठाकर जान फराम कर आई तत तमो लूकन यकीन दुत तिंद मसल इन इंतजामिया तम वातना युत जन कम वक्त मं मसल अंजरवित आम लूकन राहत वाति ये उसने दे दिया जो ये सड़क आप कह रहे आज तक पूछा किसी ने जिंदाबाद।
देखिए भारतीय जनता पार्टी का फलसफा ही कि गरीब की मदद करो। जैसे आपने देखा कि जनाब नरेंद्र मोदी जी हमेशा एसटी की बात करते हैं, जो तबका पिछड़ा हुआ उसकी बात करें, और आज ये त्राल का मुझे लगता है आखिरी इलाका त्राल का है, आखिरी गांव है जराडहार, और ये बहुत बुरी हालत में यहाँ, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी यहाँ आज तक देखा नहीं है। और आज देखिए यहाँ सड़क पर भी आज काम हो रहा है, आज यहाँ नए नए रास्ते भी बन रहे हैं, और मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उसी पे अमल करती है कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो समाज में सबसे पीछे लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनकी अपॉर्चुनिटी काम की जाए। इसलिए इस सिलसिले में आज यहाँ त्राल की इस दूर दराज इस देहात में मैं आया था, ताकि जो ये गरीब लोग हैं इनके दुख दर्द सुन सकूँ, और इनकी जो बात है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाके इनके जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करूँ, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, चाहे वो और भी जो ब्लॉक लेवल के जरिए इनकी कामज होती है। मैं इसलिए ही आया था कि ताकि जो ये दूर दराज इलाका है इसमें थोड़ी डेवलपमेंट कराई जाए और इनके जो मसाइल इन मसाइल को हल कराया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, और हमेशा हम गरीबों की ही तक पहुंचने के लिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी वादाबंद रहे, और उन्हीं की इस अमल को हम आगे चलाते हुए आज इस इलाके तक पहुंचे। और आप यकीन रखिए जो भी इनके मसले मसाइल हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचा के उनको हल कराने की कोशिश होगी। कोई भी जो मसला जेन्युइन हो, जो आवाम के साथ जुड़ा हुआ, उसको हल किया जाएगा। आप यकीन रखिए बहुत जल्द यहाँ जो इनके मसाइल हैं इन मसाइल का अजाला करके इनको भी अच्छी तरीके से इनकी कनेक्टिविटी हो, पावर हो, बिजली हो। इंतजामिया इंतजामी कार्रवाई दौरान ये श्रीनगर के बटमालन इलाकस में इंतजामिया तरफ आख शॉपिंग कम्प्लेक्स सील करना आव तथा शॉपिंग कम्प्लेक्स मलिकन कत करान वोनमुत ये म्युनसिपल कमेटी श्रीनगर तरफ बाजाबत पट कानून तहत तिमन यह कम्प्लेक्स तमीर कर इजाजत दिन आमुत तथा इंतजामिया तरफ यह सील करना आमुत यम किन तिम तजब्जुब शिकार सपद यल जन मुतल शख्सन एल जी इंतजामिया तो जिल तरकियती कमिश्नर श्रीनगर मांग कर अत मामल कुन गज खास जोन दिन युन युत जन तिम दुबार काम कार कर इजाजत दिन य जी। देखिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने जो एसडीएम साहब की क्वेरीज थी, जो उन्होंने 2022 की एक लेटर आई थी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि आप हमें ये इस लैंड का स्टेटस दे दीजिए कि अभी स्टेटस क्या है, किसी को अगर आपने दिया है तो उस की आप डिटेल्स दे दीजिए। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाय वे ऑफ अ कम्युनिकेशन डेटेड 16/2/2023 दो दिन पहले एसएमसी ने एसडीएम साहब को वजाहतन एक कम्युनिकेशन में इसका कंप्लीट डिटेल्स दिया है, इंक्लूडिंग ऑल दी एनेक्चर्स, और उसमें वो प्रॉपरली वो एनेक्चर्स जो है वो अटेस्टेड है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जिससे ये कम्प्लीटली साबित हो रहा है कि दिस लैंड हैज़ बीन ऑक्शन टू अस बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन एन ओपन ऑक्शन ऑफ ईयर 2004 ऑन अ बिड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 42,50,000। तो इसके बाद मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एसडीएम साहब हैं एसडीएम वेस्ट उनसे मैं मिला, चूंकि हमने कुछ दिन पहले अभी एसडीएम साहब को भी एक रिप्रेजेंटेशन करी हुई थी इस रिगार्डिंग कि आप हमारी बिल्डिंग को जल्दी अनसील करिए क्योंकि यह आपका डोमेन है ही नहीं, इट इज़ नॉट द डोमेन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये तो नाजरीन अच्छी वोशर खबरनामान तुम रूजो गुलिस्तान न्यूज़ वे दिव इजाजत खुदा सवाल।